अंडर 19 वर्ल्ड कप की भारतीय टीम फुल फॉर्म में है और वर्ल्ड कप के खिताब से बस एक कदम की दूरी पर है। वर्ल्ड कप का फाइनल रविवार को 3:30 बजे खेला जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने पूरे दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया है और अपना 5वां खिताब जीतने को बेकरार है, लेकिन फाइनल का मुकाबला बांग्लादेश के साथ खेला जाएगा और बांग्लादेश की टीम से पार पाना आसान नहीं होगा। हालांकि बांग्लादेश की टीम पहली बार वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेलेगी और भारत का ये 7वां वर्ल्ड कप फाइनल मैच होगा। बांग्लादेश ने अपने सेमीफाइनल मुकाबले में मजबूत टीम न्यूजीलैंड को धूल चटाकर फाइनल में जगह बनाई है। बांग्लादेश की टीम ने न्यूजीलैंड को मात्र 211 रनों के स्कोर पर रोक दिया था और बांग्ला के टाइगर बल्लेबाजों ने 35 गेंद शेष रहते टारगेट को हासिल कर लिया था। हालांकि भारत ने भी अपने सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत के लिए बांग्लादेश की गेंदबाजी खतरनाक साबित हो सकती है। बांग्लादेश के शोरीफुल इस्लाम, सलीम हुसैन और हसन मुराद शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में कीवी बल्लेबाजों को जमकर परेशान किया था। तो वहीं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बांग्ला स्पिनर्स के सामने बड़े शॉट्स खेलने में नाकाम हो रहे थे। भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल और दिव्यांश सक्सेना शानदार फॉर्म में हैं। अवरोधियों को एक बार फिर धूल चटाने को तैयार हैं। भारत के कप्तान प्रीमियम गर्ग पर भी सबकी नजर होगी और साथ ही गेंदबाजी में सुशांत मिश्रा और रवि बिश्नोई पर भी सबकी नजर होगी।